विन पाइनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज डेली डोज ऑफ टैरो में क्या है सुबह सुबह आपके लिए, क्या आप सोच रहे हैं, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, क्या पूरा होने वाला है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देते हैं, वो भी देखेंगे। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स। आप पूरी तरह से खुशियों से प्यार से भरे हुए हैं। आपको लग रहा है बस ठीक है, जो भगवान ने दिया मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो भी था वो सब कुछ अच्छा था, चाहे वो थर्ड पार्टी थी चाहे कुछ था। ये कार्ड वैसे सेलिब्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर में बिजी हो, अब तक तो आपने बहुत कुछ जो पाया वो बहुत कुछ अच्छा था, और आप ये सोचते हैं कि जो चला गया वो भी जाने दो। या हो सकता है आप किसी से बच के विद फैमिली कहीं और चले गए हों, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो जिस वजह से आप ये सोच रहे हों, या सोच रहे हों कि मैं फैमिली के साथ ही कहीं और चला जाऊँ, अपनी फैमिली को सुरक्षा दूँ। या फिर हो सकता है आप जिसके साथ थे वो आपको दगा दे के अपनी फैमिली के साथ चले गए और आपको कहते थे कि आप ही मेरी फैमिली हो। ये भी हो सकता है ना कि आप जिनको चाहते थे वो उनकी वो भी मैरिड थे और आप शायद मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, ये हो सकता है, या वीडो हैं। वो अपनी फैमिली को बना के कहीं चले गए शायद, इस तरह से दिखाई दे रहे थे। हायरोफेंट, आप ये चाह रहे हैं कि मैं अब अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊँ, अब मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ओह, इसीलिए यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया है। देयर इज़ समथिंग न्यू बिगनिंग, कुछ नया आपकी लाइफ में होने ही वाला है। ठीक है, तो जब कुछ नया होगा तो फिर तभी आप क्वीन ऑफ वांड्स की तरह बनकर आएंगे। देखिए, समटाइम आपने शायद बहुत सारी मृत्यु भी देखी हो लाइफ में, इतना जब दूसरों को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखना, इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक वैराग्य उत्पन्न होता है और हम समझने लगते हैं कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या। अब तक हम लाइफ को यूं ही जिए जा रहे थे, तो आप इतने सारे लोगों को या पेट्स को मरते हुए देख रहे हैं अपने आँखों के आगे, तो आपको ये लगता है कि अरे, जीवन मृत्यु वाकई है। मृत्यु ऐसा नहीं है कि दूसरों के घर में होगी, वो मेरे पास मेरे घर में भी है, और मृत्यु मुझे भी कभी भी आ सकती है। तो लेकिन आप उस डर से अब आप निकल चुके हैं, अब आप मृत्यु या डेथ के वर्ड से डर नहीं रहे हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं, प्यार और खुशियों से भरे हुए हैं कि ठीक है जो भी है, अब मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अब किसी को कुछ भी करना हो करें, मैं अपने काम पर पूरी तरह से स्टेबल रहूंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप, क्योंकि इस तरह का कार्ड आ रहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। आपने बहुत मेहनत करी है अभी तक, आपकी शायद पिछली लाइफ भी सही नहीं गई, जिस वजह से आपने उस घर को भी बनाने की कोशिश की थी लेकिन बन नहीं पाया था, और उसके बाद भी कई रिलेशन रहे जिसमें कि लोग आपको धोखा दे के चले गए, कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो ये वाले पर्सन थे करंट, वो भी आपको अपनी फैमिली कहते कहते वो अपनी फैमिली के साथ आपका पैसा लेकर चले गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनसे दूर हो चुके हैं और अब आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। नंबर 8 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का भी कार्ड बनता है, ये स्ट्रेंथ कार्ड बनता है। जिस तरह से ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं ना, इट मीन्स आप अब किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं। कोई भी चैलेंज आपके पास आ जाए, वाह, कोई भी चैलेंज आपके पास आ जाए इसलिए आप डरते नहीं हैं। ये 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, 10 ऑफ कैरी, नंबर 10 है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। नंबर 10 इज़ फॉर न्यू बिगिनिंग, सब कुछ नया आपकी लाइफ में होने ही वाला है। जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करते ना, तब तक आप स्टेबल हो भी नहीं पाते हैं। कोई और आपको पूरा या संपूर्ण या कंप्लीट या स्टेबल कोई नहीं करता, आप सिर्फ अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप हैं कौन, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज, ओ, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, ये तो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है।
जितना ज़्यादा आप अपने आप को ध्यान देंगे, माइंड बॉडी एंड सोल पे ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे अपने काम पर। यानी कि 3D एंड 5D लाइफ, इन दोनों में आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी है, तभी तो मिरेकल होगा। मिरेकल कोई और नहीं करेगा आपकी लाइफ में आके, कोई और नहीं कहेगा ये लो जी ये पका पकाया खाना है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हमको खुद सब कुछ करना पड़ता है। स्पून फीडिंग हम करते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो हम बच्चे की करते हैं, अदरवाइज स्पून फीडिंग कोई नहीं करता है हमारे लिए लाइफ में। हमें अपना जीवन खुद अपने हाथों से संवारना होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें मिरेकल लेकर आएं या सिंपल जीवन जीते ही यूं ही चले जाएं। तो थैंक यू सो मच, अपने जीवन में मिरेकल्स लाते रहिए। धन्यवाद।